अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआज़ अहमद है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 की। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ अपना फोकस करेंगे। तो एग्जांपल 7.1 हमारे सामने है, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि राइट एन एवीआर सी प्रोग्राम टू सेंड वैल्यूज 00 टू एफएफ टू पोर्ट बी। इसका मतलब यह है कि हमें टोटल 8 बिट्स गिवन है पोर्ट बी की, और हमने ऑल जीरो वैल्यू से लेके ऑल वन वैल्यू तक लेके जाना है अपने प्रोग्राम के जरिए। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली है, जो कि इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है। तो उसके बाद हमने मेन का फंक्शन डिफाइन कर लिया है, और मेन के फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले एक करेक्टर जी को डिफाइन किया है, जिसको हम बाद में यूज करेंगे। और इसको हमने अनसाइंड करेक्टर के तौर पर डिफाइन किया है, क्योंकि अनसाइंड करेक्टर की मेमोरी जो है वो साइंड करेक्टर के मुकाबले में कम होती है। तो हमने फिर उसके बाद डी डी आर बी, जो कि एक डायरेक्शन सेट करने के लिए रजिस्टर यूज होता है, वो हमने बी पोर्ट के लिए कॉल किया है, और उसमें वैल्यू हमने स्टोर करवा दिया 0xFF की। यानी कि हम इसकी पोर्ट बी की सारी वैल्यूज, सारे बिट्स को एज आउटपुट यूज करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हमने फॉर लूप यूज किया, जिसके अंदर हमने जी, जो कि हमने करेक्टर पहले इंट्रोड्यूस करवाया था अपने कोड के अंदर, उसको हमने जीरो पे इनिशियलाइज करवाया, और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को एक कंडीशन सेट की है कि जीरो जी इज लेस देन इक्वल टू 255। 255 मैक्सिमम वैल्यू है जो कि एफएफ के इक्वल होती है हमारे हेक्स के अंदर। और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट की वैल्यू पास की है कि जी प्लस प्लस, जिसका मतलब है कि हर एक लूप के एंड होने पर, हर एक साइकिल के एंड होने पे जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय 1। उसके बाद हमने पोर्ट बी पे उस जी को सेंड कर दिया है, पोर्ट बी इज इक्वल टू जी, और ये हमारी लूप तब तक चलती रहेगी जब तक जी पे एफएफ शो नहीं हो जाता। और इसके बाद हमने सिंपल रिटर्न जीरो करके अपना कोड एंड कर दिया। तो अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे सामने है, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि राइट एन एवीआर सी प्रोग्राम टू सेंड हेक्स वैल्यूज फॉर ASCII कैरेक्टर्स ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D टू पोर्ट बी। यानी कि हमें सारी ASCII कैरेक्टर्स को सेंड करना है जो हमें गिवन है पोर्ट बी पे। तो इसमें भी हमने सबसे पहले इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवा लिया, उसके बाद मेन का फंक्शन डिफाइन किया है, उसके बाद इस कोड के अंदर हमने एक माई लिस्ट क्रिएट की है, जो कि एक अरे है, और इस अरे के अंदर हमने जो वैल्यूज हमें सेंड करनी है उन सब वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। और उसके बाद हमने एक करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम हमने रखा है जी। ये दोनों जो हमने डिफाइन करवाई हैं वैल्यूज, ये दोनों अनसाइंड करेक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी लो है, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोड में हमारे कोड की मेमोरी ज्यादा हो, एक लिमिट से एक्सीड करो, जबकि हमारे पास एक लेसर मेमोरी कंज्यूम करने वाला ऑप्शन है। तो उसके बाद हमने डायरेक्शन रजिस्टर को कॉल किया है, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर को, और उसको हमने पोर्ट बी पे कॉल करवाया है, और पोर्ट बी को हमने आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया है। और उसके बाद हमने फॉर लूप कॉल किए हैं, जो कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स जब तक चलेगी, और हमने जी जो करेक्टर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया था, हमने उसको जीरो पे इनिशियलाइज करवा दिया। और उसके बाद हमने कंडीशन सेट किया है कि जी लेस देन है 10 से, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंटल वैल्यू सेट कर दी है कि जी इंक्रीज होगा बाय 1। और इस फॉर लूप के अंदर हर साइकिल के अंदर हमने जो जी की वैल्यू है, वो जी की वैल्यू को इस लिस्ट के साथ कॉल किया है यहाँ पे, और हमने उस वैल्यू को, उस नंबर्स को, जो भी उसका लिस्ट का मेंबर था, लाइक इफ जीरो जी इज इक्वल टू जीरो, देन द मेंबर दैट वुड बी कॉल्ड इज द फर्स्ट वन विच इज जीरो इन आवर केस। तो हमने इस नंबर को पोर्ट बी में स्टोर करवा दिया, जो कि पोर्ट बी पे डिस्प्ले होगा, और ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू है, वाइल वन है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी, और ये कंडीशन बार बार रिपीट होती रहेगी। तो एग्जांपल नंबर 7.3 के अंदर हमें कहा गया है कि आपने एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाना है जो कि टॉगल करे ऑल बिट्स को, पोर्ट बी के ऑल बिट्स को 200 टाइम्स, यानी कि हमने ऑन ऑफ करवाना है उनको आफ्टर सम डिले। सो उसके लिए हमने
सबसे पहले इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली है जो कि एक स्टैंडर्ड है एवीआर के लिए, तो ये हमारे सारे कोड्स के अंदर होगा। और उसके बाद हमने मेन का फंक्शन, ये भी एक स्टैंडर्ड है। और उसके बाद हमने सबसे पहले पोर्ट बी को आउटपुट पे सेट किया है कि वो उसकी सारी बिट्स आउटपुट होंगी। और उसके बाद पोर्ट बी पे हमने एक नंबर सेंड किया है 0xAA, जिसका बाइनरी आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है 10101010। और उसके बाद हमने एक अनसाइंड करेक्टर इस पे इनिशियलाइज करवा दिया है, जिसको हमने नाम रखा है Z। और फिर Z को वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू दी है 0, और Z की कंडीशनल वैल्यू है कि 200, जो कि हमारा काउंटर है एक किस्म का। तो हमने इन सारी वैल्यूज को फॉर लूप के अंदर यूज किया है और Z को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1 हम। और पोर्ट B पे उसकी वैल्यू हर बार रिवर्स में जाएगी, यानी कि अगर 10101010 है तो आफ्टर 1 साइकिल ये हो जाएगी 01010101। और इसी तरह 200 बार तक ये वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, और उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा 0 और कोड क्लोज हो जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने एग्जांपल 7.4 की तरफ। तो इसमें हमें कहा गया है कि आपने वैल्यूज सेंड करनी है -4 से लेके +4 तक पोर्ट बी पे। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड एवीआर की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है इनपुट आउटपुट के लिए, और उसके बाद मेन के फंक्शन के अंदर हमने एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई है, करेक्टर लिस्ट। तो यहाँ पे अनसाइंड नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये साइंड लिस्ट है। तो साइंड करेक्टर की लिस्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, और उसके अंदर हमने ये सारे नंबर्स जो थे स्टोर करवा दिए। अब इसकी साइन करेक्टर होने की रीज़न ये है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन अनसाइन के अंदर हम नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमने अनसाइन करेक्टर एक इंट्रोड्यूस करवाया Z, और उसके बाद हमने पोर्ट B को आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया, जिस तरह हमने पिछले कोर्स के अंदर भी करवाया था। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने फॉर लूप को फिर यूज़ किया और Z को इनिशियलाइज करवाया है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दी है 0, और कंडीशनल वैल्यू उसकी दी है कि Z लेस देन इक्वल टू 8, और उसके बाद इंक्रीमेंटल वैल्यू है Z++। तो हमने इन नंबर्स को Z को इस लूप के मेंबर्स Z के जरिए इस लूप के मेंबर्स को कॉल करना है, और उनको डिस्प्ले करवा दिया है पोर्ट बी के, और उसके बाद रिटर्न करके हमने कोड को एंड कर दिया। अगर हम एग्जांपल 7.5 को देखें तो उसके अंदर कहा गया है कि आपने सी प्रोग्राम के जरिए पोर्ट बी की सारी बिट्स को टॉगल करना है 50,000 टाइम्स। तो ये हमारा कोड उसी तरह का जिस तरह हमने ऊपर कोड देखा था, अगर आपको याद हो ये वाला एग्जांपल 7.3, तो सेम ही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हमने 200 की बजाय 50,000 यूज करना है। तो हमने उसी तरह लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, और फिर एक इंट का करेक्टर, फिर एक इंट Z डिफाइन करवा दिया है, उसके बाद हमने पोर्ट बी को आउटपुट रख दिया है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस अगर आप नोटिस करें तो ये है कि यहाँ पे Z इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, करेक्टर नहीं है। तो हमने अब पोर्ट बी पे हमने पहले एक नंबर आउटपुट करवाया है जो कि 0x55 है। तो पहले पोर्ट बी पे ये नंबर आउटपुट डिस्प्ले होगा, और उसके बाद पोर्ट बी पे हम दूसरा नंबर डिस्प्ले करवा रहे हैं 0xAA, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, जिसका कोड होता है 10101010। तो यहाँ पे ये डिफरेंट अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं कि इन्होंने नंबर्स को दो डिफरेंट कमांड के जरिए डिस्प्ले करवाया। इससे पहले जो हमने कोड देखा तो उसके अंदर वो इन्वर्स कर रहे थे नॉट गेट को यूज करके। तो यहाँ पे 0x55 जो है इसकी आउटपुट होती है, इसका बाइनरी होती है 01010101, जबकि ए की बाइनरी होती है 10101010। तो ये कोड इसी तरह फॉर लूप में, क्योंकि Z लेस देन 50,000 है, तो ये इसी तरह 50,000 टाइम्स चलेगा, और उसके बाद ये रिटर्न होके एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल 7.6 में अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि सी प्रोग्राम लिखें जिसके जरिए आप सारी बिट्स को, सेम वही कोड है, सिर्फ इसमें 50,000 की बजाय 1 लाख टाइम कह दिए, 100 टाइम्स कह दिए,
100,000 टाइम्स कह दिया सॉरी, तो सेम वही कोड होगा, लेकिन इसमें सिर्फ जी जो है वो लॉन्ग की डेटा टाइप है उसकी, और उसके बाद हमने पोर्ट बी का आउटपुट रखा है, और उसके बाद सिंपल जी के अंदर वही नंबर डिस्प्ले करवानी है। अब रीजन यहाँ पे लॉन्ग यूज करने की ये थी कि जो 100,000 टाइम्स है ये पहले वाले नंबर से काफी बड़ा है, तो इसकी वैल्यू भी, इसकी मेमोरी भी ज्यादा होगी। तो इसको स्टोर करवाने के लिए अगर हम यहाँ पे करेक्टर यूज करते हैं, करेक्टर तो सिर्फ 8 बिट का है, उसके अंदर तो इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं होगा, और ना ही ये इंट के अंदर स्टोर हो सकता है। तो इसके लिए हमने लॉन्ग यूज किया है इंट की, क्योंकि 32 बिट्स होती है और लॉन्ग की 32 बिट से ज्यादा होती है, तो ये 32 बिट से ज्यादा मेमोरी रखता है, तो इसको हमने जी के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद जी पे इंक्रीमेंटल वैल्यू दे दी है कि जी प्लस प्लस, और पोर्ट बी के अंदर हमने सेम जो अप्रोच हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर यूज की थी वही यूज की है इनवर्स के बजाय, और उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल 7.7 की तरफ अगर हम अपना ध्यान दें, तो एग्जाम्पल 7.7 के अंदर वो कह रहा है कि एवीआर में सी प्रोग्राम लिखें जिसके जरिए आप पोर्ट बी को कंटिन्यूसली टॉगल करवाएं सारी बिट्स को, जिसके अंदर 100 मिलीसेकंड का डिले भी हो, लेकिन इस बार वो डिले डिफाइन कर रहा है, यानी कि हमने 100 मिलीसेकंड वेट करना है, उसके बाद उसकी वैल्यूज को चेंज करवाना है, यानी 1 से 0 और 0 से 1। और उसके साथ उसने एक अजम्पशन दिया है कि आप अज्यूम कर लें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 80 MHz-8 की वो 60 MHz है। तो हमने एज यूजुअल सबसे पहले अपनी एवीआर की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, और उसके बाद हमने वॉइड डेटा टाइप का फंक्शन कॉल किया है, वॉइड रिटर्न टाइप का सॉरी, और हमने उसके साथ डिले 100 मिलीसेकंड उसका नाम रखा है, और उसके अंदर हमने एक लॉन्ग को इनिशियलाइज करवाया, लॉन्ग वन को, लॉन्ग आई को, और उसके में हमने फॉर की एक लूप लगाई है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन 47060। ये नंबर हमने अपने 100 मिलीसेकंड्स के लिए यूज किया है, यानी कि अगर हम 100 मिलीसेकंड वेट करना चाह रहे हैं तो हमें इतने मशीन साइकिल्स चाहिए होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ये फ्रीक्वेंसी से हमने 1/फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को यूज करके टाइम निकाला, और टाइम को 100 मिलीसेकंड में डिवाइड किया, तो ये हम इसने हमने नंबर ऑफ साइकिल्स दे दिए। और उसके बाद हम अगर मेन की तरफ अपना ध्यान दें, तो मेन के अंदर हमने सबसे पहले पोर्ट बी का आउटपुट डिक्लेयर करवाया, उसके बाद हमने वाइल वन की कंडीशन यूज किया, ये कि वाइल ट्रू की इक्वल होती है, यानी कि हम इस लूप को फॉर एवर चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले पोर्ट बी पे एक वैल्यू डिस्प्ले होगी 0xAA, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर सके हैं, 1010 1010 की इक्वल होती है, और उसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले आएगा जो कि हमारी इस लूप के जरिए आ रहा है, यानी कि इस जब हम इस फंक्शन के जरिए इस फंक्शन के अंदर एंटर होंगे तो ये लूप फॉर लूप तब तक हमें यहीं पे रोके रखेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहीं पे वेट करेंगे, लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि ये 47060 की इक्वल हो जाता है आई, तो ये अगली लाइन पे मूव कर जाएगा और वैल्यूज को चेंज करवा देगा 0101 0101, इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। एग्जाम्पल 7.8 के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि एवीआर में सी प्रोग्राम लिखें जिसके जरिए आप सारी पिंस को पोर्ट सी, इसलिए कि इस बार पोर्ट बी की बजाय पोर्ट सी कहा गया है, और इसकी सारी पिंस को हमने टॉगल करना है कंटिन्यूअसली विद 10 मिलीसेकंड डिले। तो कंडीशन सेम यही वाली है, लेकिन इसमें 100 मिलीसेकंड था तो इसमें 10 मिलीसेकंड है, मोस्टली वही रहेगी, लेकिन इस बार वो एक कंडीशन और दे रहा है कि यूज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन एफ एम स्टूडियो, यानी कि जो हमें फंक्शन लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है हमारी सी प्रोग्राम के लिए, तो हमने उसको यूज करना है। तो सबसे पहले हमने सीपीयू की फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया जो कि हमारी 60 MHz है, तो हमने ये वैल्यू सेट कर दी, और उसके बाद हमने इंक्लूड किया डिले की लाइब्रेरी जो कि हमारी एक हेडर फाइल है, और ये सी प्रोग्राम में पहले से ही बना के अपलोड कर दी है किसी इंटरनेट पे, तो हमने वहाँ से सिंपल अपने प्रोग्राम के लिए वहीं से कॉल करवा लिया इसे। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट की एक हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया, और फिर अगर आप देखें तो हमने मेन का एक फंक्शन रखा है जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंट है, और उसके बाद हमने मेन के अंदर एक डी डी आर बी
रजिस्टर कॉल करवाया और उसके जरिए हमने पोर्ट बी को आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया। लेकिन यहाँ पे एक इशू, अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने पोर्ट सी कहा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पोर्ट बी कॉल करवा दिया। लेकिन अगर हम पोर्ट सी पे आउटपुट लेना चाहते हैं तो हम सिंपल यहाँ पे पोर्ट सी कर देंगे पोर्ट बी की जगह, और यहाँ पे डी डी आर सी हो जाएगा, और हमने 0xFF पोर्ट बी पे सेंड करवा दी, यानी कि सारी वैल्यूज वन होंगी। उस पर 10 मिलीसेकंड का डिले होगा, ये 10 को हमने पास किया इस लाइब्रेरी के फंक्शन में, डिले मिलीसेकंड, और फिर वैल्यू हो जाएंगी 010101, यानी कि उनमें से एक वैल्यू वन हो जाएगी और दूसरी वैल्यू उसकी साइमल्टेनियसली अगली वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर 10 मिलीसेकंड का डिस्प्ले, और फिर ये लूप इस तरह चलती रहेगी। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 7.9 की तरफ। एग्जाम्पल 7.9 के अंदर वो कहता है कि एलईडीज आर कनेक्टेड टू पिन्स ऑफ पोर्ट बी, ये पिन वो पोर्ट बी के साथ हमने एलईडीज कनेक्ट कर दी हैं, तो राइट अस एवीआरसी प्रोग्राम दैट शोज द काउंट फ्रॉम 0 टू एफएफ, यानी कि 0 से लेके एफएफ जो कि मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक हमने आउटपुट शो करवानी है, काउंट शो करवाना है एलईडीज के जरिए। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिफाइन की है, फिर डिले की लाइब्रेरी को कॉल किया है, और मेन फंक्शन कहते हैं हमने सबसे पहले पोर्ट बी का आउटपुट रखा है, और उसके बाद हमने वाइल ट्रू की कंडीशन लगा के पोर्ट बी पे हमने वैल्यू स्टोर करवा दिया, पोर्ट बी इज इक्वल टू पोर्ट बी प्लस वन, यानी कि पोर्ट बी अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें प्लस वन ऐड हो जाएगा और अगला नंबर आ जाएगा इस तरह। और यहाँ पे हमने डिले डाल दिया कि 500 मिलीसेकंड बाद, यानी कि हाफ सेकंड के बाद वो अगली वैल्यू पे मूव कर जाएगा, यानी कि पोर्ट बी पहले हाफ सेकंड गुजरेगा तो वन हो जाएगी, दूसरा हाफ सेकंड गुजरेगा तो टू हो जाएगी इस तरह। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल 7.10 के अंदर वो कह रहा है कि आप पोर्ट बी से कोई एक बाइट इनपुट लें और उसको बाद में पोर्ट सी पे सेंड कर दें। तो हमने सबसे पहले इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने एक करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया टेम्प के नाम से, जो कि शॉर्ट होता है टेम्पररी के लिए, यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ टेम्पररी वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो हम इनपुट ले रहे होंगे पोर्ट बी से। उसके बाद पोर्ट बी को हमने इस बार 0x00 रखा है, क्योंकि हम इसको एज अ इनपुट यूज करना चाह रहे हैं, तो 0x00, और उसके बाद पोर्ट सी को हमने आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया, और वाइल ट्रू की कंडीशन लगा के हम पिन बी से जो इनपुट आ रही है, यानी कि अगर पिन बी के साथ हमने हार्डवेयर या सिमुलेशन के अंदर स्विच बटन लगाए हुए हैं, तो जो एक स्पेसिफिक स्विच बटन प्रेस हो रहा है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी टेम्प वेरिएबल के अंदर। यानी कि अगर हमने सिर्फ 8 स्विच बटन कनेक्ट किए हैं तो हम 5th बिट को टारगेट कर रहे हैं, उसको प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0010000। सो उसके बाद हम पोर्ट सी की तरफ मूव करते हैं, तो पोर्ट सी के अंदर हमने टेम्प जो टेम्प वेरिएबल था उसकी वैल्यू को पोर्ट सी के अंदर स्टोर करवा दिया, और पोर्ट सी पे वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा अगर उसके साथ एलईडीज कनेक्टेड हैं तो। और इस तरह ये कोड चलता रहेगा जब तक आप पावर को कनेक्ट रखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल 7.11 की तरफ मूव करते हैं, तो एग्जाम्पल 7.11 के अंदर उन्होंने कहा है कि एक सी प्रोग्राम का कोड लिखें जिसके अंदर आप पोर्ट सी से डेटा लें, और अगर वो डेटा 100 से लेस हो तो उसको पोर्ट बी पे भेज दें, अदरवाइज पोर्ट डी पे भेज दें। तो हमने सिंपल उसी तरह सबसे पहले इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, उसके बाद डी डी आर सी पे 0 की वैल्यू स्टोर करवा दी है, जो जो कंफर्म कर देती है कि ये एक इनपुट है। और उसके बाद हमने डी डी आर बी पे 0xFF और DDRD पे भी 0xFF के को सेंड करवा के इन दोनों को आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद उसी तरह हमने एक टेम्परेरी करेक्टर डिफाइन किया जो कि इनपुट के लिए यूज होगा, और फिर वाइल वन के अंदर हमने टेम्प को इक्वल रखा है पिन सी के, यानी कि पिन सी से जो भी नंबर आएगा ये उसको रीड करेगा। और उसके बाद फिर हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई है कि अगर टेम्परेरी नंबर जो है वो 100 से लेस होगा तो पोर्ट बी पे टेम्परेरी नंबर सेंड हो जाएगा, एल्स पोर्ट बी डी पे हो जाएगा, और इस तरह हमारा ये कोड चलता रहेगा। अब हम आते हैं मूव करते हैं 7.12 की तरफ। तो 7.12 के अंदर उन्होंने कहा है कि रन द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑन योर सिमुलेटर एंड एग्जामिन द रिजल्ट्स। तो अगर हम इस कोड को देखें तो इन्होंने सबसे पहले कहा है कि इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएं, और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने बी सी और डी तीनों पोर्ट्स को आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया, और फिर हमने पोर्ट बी पे एंड के फंक्शन को यूज किया दो नंबर्स पे 0x35 और 0x0f पे,
यानी कि अगर 0x0x3 जो है वो अगर वैल्यू दे रहा है 0011, और अगर हम उसको एंड करवा रहे हैं किसी और नंबर के साथ जो कि वैल्यू दे रहा है लेट्स सपोज 0x0001, तो अगर 0th बिट और 0 बिट दोनों नंबर्स की 0 बिट 1 है तो वो 1 और 1 एंड होके वो 0 हो जाएगा, और अगर वो 0 और 1 है तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ दो इन पे बिट बाय बिट एंड फंक्शन लगेगा और उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज मॉडिफाई हो जाएंगे। और पोर्ट सी पे इसी तरह, पोर्ट सी पे और का फंक्शन कॉल हो रहा है और पोर्ट डी पे एक्स और का हो रहा है, यानी कि एक्स और ये है कि इसमें सिर्फ और के स्ट्रिक्ट फंक्शंस इम्प्लाई होते हैं, यानी कि अगर और के अंदर ये है कि कोई एक वैल्यू अगर 1 है तो वो नंबर 1 होगा, अगर कोई एक वैल्यू भी 0 है, सॉरी अगर कोई एक वैल्यू 1 है तो नंबर 1 होगा, अगर दोनों वैल्यू 1 है तब भी नंबर 1 होगा, लेकिन अगर दोनों वैल्यू 0 है तो वो 0 होगा। लेकिन एक्स और के अंदर ये होता है कि अगर दोनों वैल्यूज 1 है और दोनों वैल्यूज 0 है तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो रिजल्ट होगा आपका वो 0 होगा। ये सब तब तक आपको 1 रिजल्ट में देगा जब तक आप में से एक वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू 0 है। और यहाँ पे उन्होंने पोर्ट बी पे नॉट गेट को यूज, नॉट गेट के फंक्शन को यूज किया और उस वैल्यू को इन्वर्स कर दिया, यानी कि 0x55 से वो चेंज हो जाएगी टोटली। अगर आप 0x55 है 0101 तो ये चेंज हो जाएगा 1010 में, और ये कंडीशन चलती रहेगी। उसी तरह हम अगर 7.13 पे देखें तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 बिट्स को टारगेट करें और पोर्ट बी पे, और इनको कंटिन्यूसली चेंज करें। सो हमने यहाँ पे अगर देखें तो हमने सबसे पहले इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, उसके पोर्ट बी को आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया, और वाइल ट्रू की कंडीशन के अंदर हमने कहा कि पोर्ट बी इज इक्वल टू पोर्ट बी एंड 0B001000, यानी कि उन्होंने कहा कि पोर्ट बी में जो भी वैल्यू है उसको हम इस नंबर के साथ एंड करें। सो अगर हम इसको एंड करेंगे तो ये 5th बिट पे, क्योंकि 1 है तो पोर्ट बी के अंदर लेट्स सपोज सारी वैल्यूज 1 है तो इसकी 5th बिट जो है वो 1 रहेगी, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी क्योंकि उनके अगर हम एंड कर रहे हैं तो उनकी कोई और वैल्यू भी 1 नहीं आ रही, बाकी सारी वैल्यू 0 है, और 10 एंड के अंदर 0 होता है। और सेम इसी तरह फिर पोर्ट बी पे दोबारा वैल्यू एंड के लिए आ जाएंगी, सॉरी यहाँ पे और था, पोर्ट बी पे हम पोर्ट बी पे पहले चेक कर रहे हैं कि अगर अगर सारी वैल्यू 0 है लेट सपोज, और यहाँ पे हम पोर्ट बी पे ये नंबर पोर्ट बी के साथ और कर रहे हैं, ओरिंग कर रहे हैं, तो इसकी सारी वैल्यूज, क्योंकि पोर्ट बी की सारी वैल्यू लेट सपोज 0 की है हमने, तो यहाँ पे सिर्फ 5th बिट 1 है तो बाकी सारी वैल्यू 0 ही रहेंगी, 0000, और सिर्फ ये बिट जो है 5th बिट ये 1 हो जाएगी। और इसी तरह हमने पोर्ट बी के अंदर दोबारा एंड फंक्शन को यूज किया, और ये जो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास रिजल्ट में, इनके साथ अगर हम ये वाला फंक्शन एंड करवा रहे हैं तो वैल्यूज दोबारा 0 हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ एक बिट ऑन थी यहाँ पे 5th बिट, और यहाँ पे 5th बिट 0 करती है तो एंड होने के बाद सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे वो 5th बिट को सेट कर रहे हैं 1 पे, तो यहाँ पे वो 5th बिट को दोबारा क्लियर कर देते हैं 0 पे। 7.14 की बात करें तो 7.14 के अंदर उन्होंने कहा है कि सी प्रोग्राम लिखें 5th बिट को मॉनिटर करने के लिए पोर्ट सी की, अगर वो हाई है तो पोर्ट बी पे आप नंबर सेंड करें 0x55, अदरवाइज आप सेंड करें 0x00। तो इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड हुई, उसके बाद हमने पोर्ट बी और डी को FF के जरिए आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया, और पोर्ट सी को हमने रख दिया इनपुट। उसके बाद पोर्ट सी पे हमने स्विच बटन के जरिए 5th बिट की इनपुट ली है कि अगर 5th बिट पे बटन प्रेस हो रहा है, और इस कंडीशन को हमने टारगेट किया कि अगर पिन सी जो कि 0 है और हम सॉरी इसमें ये चेक कर रहे हैं कि अगर पिन सी और इस नंबर के जरिए हम के दरमियान हम एंड का फंक्शन ऑपरेट करते हैं और इनका रिजल्ट 0 नहीं आता, अगर इनका रिजल्ट 0 नहीं आता यानी कि जिसका मतलब ये है कि ये नंबर प्रेस हो रहा है अभी और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 0 नहीं आ रहा, तो
ये इस नंबर्स को 0x55 को पोर्ट बी पे डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो कि एल्स में हमारी स्टेटमेंट है, तो उसके नतीजे में हमारे पोर्ट बी पे 0xAA का नंबर डिस्प्ले होगा, जो कि एक दूसरे के टोटल इनवर्स है। तो हम सर नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। सर नंबर 15 के अंदर उन्होंने कहा कि एक पोर्ट बी पे एक की बिट 1 से एक डोर से कनेक्टेड है और एलईडी कनेक्टेड है बिट 7 से पोर्ट सी की। तो अगर एवीआर सी प्रोग्राम एक ऐसा लिखें जो कि डोर सेंसर को मॉनिटर करे, और जब डोर सेंसर ऑन हो तो एलईडी को ऑन कर दे, यानी कि जब दरवाजा खुले तो वो एलईडी ऑन हो जाए, दरवाजा ऑफ रहे, लाइक हमारी गाड़ियों के अंदर भी ये सिस्टम यूज होता है। तो इनपुट आउटपुट की हमने उस पर लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है। उसके बाद हमने पोर्ट बी पे हमने पिन 1 को इनपुट डिक्लेयर करवाना है। करवाने के लिए हमने ये एक एंड का फंक्शन यूज किया है। तो हमने सबसे पहले डी डी आर बी में यहाँ पे 0 0 स्टोर था, उसको कॉल करवाया एंड के साथ 1111 1101 इसके साथ। और डी डी आर सी में हमने सिर्फ पिन 7 को आउटपुट रखने के लिए उसको 1 डिक्लेयर करवा दिया और बाकी सबको 0 करवा दिया, उसके साथ और कर दिया इस नंबर को। और फिर हमने वाइल ट्रू की कंडीशन लगाई है और उसमें चेक किया कि इफ पिन बी एंड 0B000010 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर नंबर जो सेकंड पिन है वो हाई हो रही है तो हमारा पोर्ट सी है वो और होगा इस नंबर के साथ, और हमारी 7th लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो एंड फंक्शन के जरिए उन्होंने 7th लाइट को भी ऑफ करवा दिया दोबारा से। और सर नंबर 16 के अंदर उन्होंने कहा है कि डेटा पिन्स ऑफ एन एलसीडी आर कनेक्टेड टू पोर्ट बी, द इंफॉर्मेशन इज लैच्ड इनटू द एलसीडी व्हेनेवर द इट्स एनेबल पिन गोज फ्रॉम हाई टू लो, द एनेबल पिन इज कनेक्टेड टू पिन 5 ऑफ पोर्ट सी, राइट सी प्रोग्राम टू सेंड द अर्थ इज बट अ वन कंट्री टू दिस एलसीडी। सबसे पहले उन्होंने इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है। उसके बाद एक करेक्टर मैसेज, एक मैसेज की लिस्ट या अरे आप कह सकते हैं, उसको इनिशियल डिफाइन करवाया और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है द अर्थ इज बट वन कंट्री। उसके बाद हमने एक अनसाइंड करेक्टर को यूज किया है जी, और उसके बाद हमने बी पोर्ट बी को आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया और पोर्ट सी की 5th बिट को आउटपुट डिक्लेयर करवाया और के फंक्शन के जरिए। और फिर हमने फॉर लूप की कंडीशन लगाई है कि फॉर जी इज इक्वल टू 0, जी लेस देन 28। 28 आप इस तरह कह सकते हैं कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और जी प्लस प्लस जी इंक्रीमेंट होगा 1 बाय 1। तो सबसे पहले पोर्ट बी पे हम नंबर सेंड कर रहे हैं 0, यानी कि सिर्फ टी सेंड होगा, कैपिटल टी यहाँ पे सेंड हो जाएगा। और पोर्ट सी ये चेक होगा कि अगर सबसे पहले पोर्ट सी की वैल्यू अनेबल होगी इस पूरे कंडीशन के जरिए कि पोर्ट सी और 0B001000000, और उसके बाद पोर्ट सी दोबारा अनेबल को ऑफ कर देगा पोर्ट सी को इस नंबर के साथ एंड करके। तो ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक हम वाई तक नहीं पहुंचते। और अगर हम 7.17 की बात करें तो 7.17 के अंदर वो कहते हैं कि रीड पिंस 1 एंड 0 ऑफ पोर्ट बी एंड इशू एन आस्की करेक्टेड पोर्ट डी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टेबल, यानी कि अगर 0 0 जा रहा है तो वो सेंड 0 हो जाए पोर्ट डी पे। ये हमें एक रूल दे दिया उन्होंने। तो हमने लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया और एक अनसाइंड करेक्टर को डिफाइन किया। उसके बाद हमने पोर्ट बी को इनपुट रख दिया और पोर्ट डी को आउटपुट रख दिया। और फिर हमने जो जी करेक्टर ऊपर इनिशियलाइज करवाया था उसमें हमने इनपुट स्टोर करवा लिया पोर्ट बी से, कि अगर दोनों नंबर प्रेस हो रहे हैं तो वो 1 1 हो जाएगा, अगर दोनों नंबर नहीं प्रेस हो रहे तो वो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने जी को इस नंबर के साथ एंड करवाया है, जिसकी वजह से हमारी पहली भी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी सिवाय बिट 1 और 0 के, जो कि हमने एंड रखी है। तो वो जो भी यहाँ पे डाटा स्टोर होगा बिन पिन बी के जरिए जी में, वो डाटा वो ये वैसे का वैसा ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद हमने बस स्विच केस अप्लाई किया है कि अगर यहाँ पे स्विच केस के जरिए यहाँ पे केस 0 है
तो पोर्ट डी पे जीरो सेंड हो जाएगा, ASCII करेक्टर हो जाएगा जीरो, और पोर्ट डी पे वन सेंड होगा केस वन, इसी तरह ये बाकी केसेस हमने डिफाइन किए और इनके अंदर पोर्ट डी पे स्पेसिफिक नंबर सेंड करें। और हर केस के एंड पे हमने ब्रेक का कमांड यूज किया ताकि ये स्विच केस को ब्रेक कर दे और अगले केसेस की तरफ मूव ना करे। लाइक अगर हम ब्रेक की कमांड नहीं यूज करते तो केस जीरो जब चल रहा है तो पोर्ट डी पे वो जीरो सेंड करने के बाद वो केस वन की तरफ मूव कर जाएगा, तब तक ये अगले केसेस में मूव करता रहेगा जब तक हम ब्रेक की कमांड नहीं देते। सैंपल डेटिंग है तो वो कहता है कि राइट एन एवीआरसी प्रोग्राम टू मॉनिटर बिट 7 ऑफ पोर्ट बी, इफ इट इज 1 मेक बिट 4 ऑफ पोर्ट बी इनपुट, अदरवाइज चेंज पिन 4 ऑफ आउटपुट पिन 4 ऑफ पोर्ट बी टू आउटपुट। तो हमने एवीआर के में से इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई, उसके बाद हमने पोर्ट बी को 7 बिट को पोर्ट बी की 7 बिट को आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया इस नंबर के साथ एंड करके, सॉरी इस नंबर के साथ एंड करके हमने पोर्ट बी की 7 बिट को इनपुट डिक्लेयर करवाया। और उसके बाद हमने वाइल वन की कंडीशन लगाई है और हम कहते हैं कि वाइल वन इफ पिन बी एंड 1000000, अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि इनका आंसर जो है वो वन आ रहा है और यही कंडीशन जो हमें वैल्यू आ रही है उसके साथ कंपेयर करने पर इनका वैल्यू ट्रू हो रही है, तो हम पोर्ट बी पे डी डी आर बी एंड 0B111011111 हम पोर्ट बी को इनपुट बना देंगे, अदरवाइज हम पोर्ट बी को आउटपुट बना देंगे, जो कि हमारी इस एग्जांपल का टास्क था। तो हमने सेट पर 19 के अगर मूव तरफ मूव करते हैं तो हमने मेन फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद डी डी आर बी में डी डी आर बी और इस नंबर को एंड किया और जिसके रिजल्ट में हमें पोर्ट बी की जो पिन बिट 5 है वो इनपुट मिल रही है, और फिर हमने डी डी आर सी में इस नंबर को डी डी आर सी के साथ और किया है जिसके नतीजे में हमें बिट 7 जो है वो आउटपुट मिल रही है। उसके बाद हमने वाइल वन की कंडीशन लगा के वाइल वन की लूप लगा के सॉरी हमने एक कंडीशन लगाई है कि इफ पिन बी एंड 0010000, अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो हमने पोर्ट सी पे बिट 7 को चेंज कर दिया है 1 पे, यानी कि बिट 7 जो है वो ऑन हो जाएगी और हाई हो जाएगी, अदरवाइज बिट 7 जो है वो लो रहेगी, तो ये हमारी लूप फॉरवर्ड चलती रहेगी। उसके बाद 7.20 में उन्होंने कहा है कि एक सी प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आपने पोर्ट बी के सारे पिन्स को कंटिन्यूसली टॉगल करना है, लेकिन उसके पार्ट ए में है कि इन्वर्टिंग ऑपरेटर को यूज़ करना है जो कि नॉट गेट है हमारा, और पार्ट बी में है कि एक्सओआर ऑपरेटर को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों केसेस के अंदर अपनी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवा लिया, पोर्ट बी को हमने आउटपुट रख दिया और पोर्ट बी पे हमने एक नंबर सेंड कर दिया 0xAA जो कि हमारा फर्स्ट नंबर होगा जिसको हम कंटिन्यूसली चेंज करेंगे। उसके बाद वाइल वन के अंदर यहाँ पे पार्ट ए के अंदर उन्होंने वाइल टू की कंडीशन लगाई और पोर्ट बी पे कंटिन्यूसली वो वैल्यू चेंज करें इन्वर्टर या नॉट गेट को यूज़ करें और वो इसकी वैल्यू को कंटिन्यूसली रिवर्स करें, यानी कि अगर 0xAA है तो ये इन्वर्स के बाद हो जाएगा 0x55। और इसी तरह अगर यहाँ पे आप पोर्ट बी के अंदर देखें तो इसमें हमें कहा गया था कि आपने एक्स और ऑपरेटर यूज़ करना है, तो उन्होंने सिंपल पोर्ट बी को इक्वल रखा है पोर्ट बी XOR, ये XOR का सिंबल है, और 0xFF, यानी कि जो जो नंबर्स 01 होगा वो ऑन हो जाएगा और जो के 11 होगा वो ऑफ रहेगा, तो इस तरह ये कंटिन्यूसली रिवर्स होता रहेगा आंसर। तो 7.21 के अंदर वो कहते हैं कि आप बिट वाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के जरिए आप 7.18 और 7.19 एग्जांपल को दोबारा लिखें। तो 7.18 एग्जांपल के अंदर वो कहते हैं तो 7.18 की तरफ जाएं हम देखें कि 7.18 के अंदर हमें कहा क्या गया था, तो हमें कहा था कि पोर्ट बी को अपने इनपुट और आउटपुट के अंदर टॉगल करना है। सबसे पहले उन्होंने इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई, उसके बाद पोर्ट बी की 5th बिट को उन्होंने 0 रख के और उसके बाद में एंड और के जरिए ये उन्होंने फंक्शन यूज किया है चेंजिंग अ बिट्स वैल्यू का एंड इक्वल टू,
तो इसके जरिए उन्होंने फिफ्थ बिट को जीरो रख दिया, बाकी सारे पिन को बंद रहने दिया। और उसके बाद उन्होंने वाइल्ड ट्रू की कंडीशन लगाई है, और उसमें चेक कर रहे हैं कि अगर पिन बी और ये वैल्यू 0010000, इनको चेक कर रहे हैं कि अगर पोर्ट बी की वैल्यू अगर वन है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं वो। तो अगर ये वन है, अगर ये वन नहीं है तो वो ये कंडीशन अप्लाई होगी कि पोर्ट बी इनपुट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि इन्होंने फिफ्थ बिट जो है यहाँ पे उसको जीरो रखा है, तो जब ये वैल्यू सेट होंगी तो पोर्ट बी की फिफ्थ बिट पे ये वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि जीरो है तो वो इनपुट रहेगी, लेकिन एल्स के अंदर उन्होंने उसको वन रखा है तो वो वन हो जाएगी। लेकिन पार्ट बी के अंदर उन्होंने कहा था कि आप 19 एग्जाम्पल को देखें, तो 19 एग्जाम्पल के अंदर हमें कहा गया था कि आपने फिफ्थ बिट से स्टेटस लेना, सेवन्थ बिट पे सेंड करना है। सबसे पहले उन्होंने उसी तरह पोर्ट बी को इनपुट रखा है और पोर्ट सी की बिट सेवन को आउटपुट रखा है, और फिर वाइल ट्रू लगा के इफ पिन बी एंड 0010000, वो फिफ्थ बिट को कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं कि अगर वो जीरो है तो वो बिट सेवन को वन कर देंगे, अदरवाइज वो जीरो कर देंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है, ये कंडीशन है बिट को क्लियर करने की, यानी कि हम बिट को क्लियर कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, अगर वन है तो वो जीरो कर रहे हैं, अगर जीरो है तो वो वन कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आप देखें तो ये है सेट अ बिट सेटिंग अ वैल्यू का सिंबल, यानी कि और इक्वल टू। तो इसके जरिए हम इस बिट को, सेवन्थ बिट को ट्रू कर रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू वन चाहिए। अब हम मूव कर रहे हैं कि 7.22 की तरफ। 7.22 के अंदर हमें कहा गया कि आपने कोड लिखना है जो कि इन नंबर्स को जनरेट करे, द नंबर दैट हैज ओनली अ वन इन पोजीशन D7, लाइक दिस। सॉल्यूशन उन्होंने यहाँ पे दे भी दिए आपको। सो अगर हम और ज़्यादा इनको डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो हमें ये नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हैं जो कि शिफ्ट के सिंबल्स हैं, बिट वाइज शिफ्ट के ऑपरेटर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि उन्हें वन चाहिए तो हमने वन लिखा, और हमें किस पोजीशन पे चाहिए, सेवन्थ पिन पे, तो हमने इस ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल को यूज़ करके साथ सेवन को प्लग कर दिया। और इसी तरह अगर हम फिफ्थ पार्ट ई की तरफ मूव करें तो उन्होंने कहा है कि जीरो चाहिए उन्हें D3 पे, जो कि पिन नंबर है फोर, फोर्थ पिन जो है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि आप वन सेंड करें और 3 पिन पे, जो कि 0 1 2 3 जो कि बनती है यही पिन, इस पे वन सेंड करें, लेकिन उसके रिजल्ट को आप इन्वर्स कर दें, यानी कि अगर वो वन सेंड कर रहे हैं तो वो रिजल्ट सेंड होने के बाद हो जाएगा जीरो। तो इस तरह 7.22 में वो काम कर रहे हैं। 7.23 के अंदर उन्होंने कहा है कि आप एक सी प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर पोर्ट बी की बिट सेवन को मॉनिटर करें, और अगर वो वन है तो आप बिट फोर को इनपुट कर दें, लेकिन अगर वो पोर्ट बी को इनपुट करें, अदरवाइज वो पोर्ट बी को आउटपुट कर दें। तो उसी तरह मेन के अंदर उन्होंने सबसे पहले बिट सेवन को इनपुट डिक्लेयर करवाया है इस कमांड के जरिए कि लाइक DDRB एंड, और सेवन्थ बिट पे उन्होंने वन रखा है, और उसके बाद इन्वर्स करनी है, यानी कि सेवन्थ बिट पे वो जीरो सेंड कर रहे हैं, और उसके साथ वो इसको एंड करवा के DDR पे सेवन बिट को आउट इनपुट डिक्लेयर करवा रहे हैं। उस पर वाइल ट्रू में उन्होंने चेक कर रहे हैं कि अगर पिन बी जो है वो पिन बी और सेवन्थ बिट को वन करके वो चेक कर रहे हैं कि अगर वो एंड में ट्रू आ रही है तो DDRB जो है वो उसकी पोर्ट फोर जो है वो इस कमांड के जरिए इनपुट हो जाएगी, अदरवाइज वो आउटपुट हो जाएगी। यहाँ पे वो एंड और उसके बाद इनवर्स लगा रहे हैं, यानी कि फोर्थ बिट पे जीरो लेके वो DDRB के साथ एंड करवा रहे हैं, और उसको बाद में स्टोर करवा रहे हैं DDRB में, जिसके नतीजे में बिट फोर जो है वो जीरो हो जाएगी और वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगी। 7.24 के अंदर वो कह रहे हैं कि गेट अ स्टेटस ऑफ बिट 5 पोर्ट बी एंड सेंड इट टू बिट 7 ऑफ पोर्ट सी कंटिन्यूअसली। तो ये सेम उसी तरह की कंडीशन है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर डिफरेंट है।
तो सबसे पहले उन्होंने बिट 5 को इनपुट डिक्लेयर करवाया है, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर बिट 5 इनपुट है, सबसे पहले उन्होंने बिट 5 पे 5th बिट पे 1 सेंड किया, उसके बाद उसको रिवर्स कर दिया यानी कि 5th बिट पे 0 स्टोर हो गया। उसके बाद उन्होंने इस वैल्यू को सेट कर दिया, इस वैल्यू को क्लियर करवा दिया इस नंबर के साथ, यानी इस नंबर पर ये वैल्यू स्टोर हो गई है और इसकी 5th बिट 0 होने के बाद इन एज इनपुट एक्ट कर रही है। और DDRC में उन्होंने और इक्वल टू के जरिए उन्होंने इस पे वैल्यू सेट करवाई है 1 की 7th बिट पे, और 7th बिट हो गई आउटपुट। उसको वो पिन भी को चेक कर रहे हैं कि वो 1 5th बिट पे अगर 1 है और उसको एंड करवा के पिन बी के साथ वो चेक करें कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 5th 7th बिट ऑफ पोर्ट सी विल बी 1 अदरवाइज 0। उसके बाद ये वही कंडीशन आ गई वो डोर सेंसर वाली, तो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले AVR इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को यूज कर लिया, उसके बाद LCD7 को डिफाइन करवाया, उस Sensor1 को डिफाइन करवा दिया। और इनपुट मेन के अंदर उन्होंने कहा कि DDRB में आप वैल्यू क्लियर करवा दें 0 की, जो कि हमने 1 सेंसर वाली पिन पे, जो कि 1 पिन 1 पे बिट 1 पे कनेक्टेड था, उस पे हमने 1 स्टोर करवा के उसको इनवर्स करवाया जो कि 0 हो गया, और उसको हमने DDRB में स्टोर करवा दिया। यानी कि DDRB में क्योंकि हमें 0 चाहिए था, क्योंकि तो हम इनपुट ले रहे हैं सेंसर से, तो हम 7 सेंसर वाली पिन इनपुट हो गई। और उसी तरह हमने डोर वाली एलईडी वाली सॉरी एलईडी वाली पिन को आउटपुट करवाया है, एलईडी पे पहले 1 डिक्लेयर करवाया, उसके बाद उसको सेट करवा दिया DDRC पे, और फिर कंडीशन चेक किया कि अगर पिन बी और सेंसर वाली पिन जो है वो 1 हो और इसको एंड करने पे ये ट्रू आ रहा हो तो ये पोर्ट सी पे एलईडी को ऑन कर देगा, अदरवाइज वो ऑफ कर देगा। तो 7.26 के अंदर उन्होंने कहा है कि आप AVR-C प्रोग्राम लिखें जो कि पैक्ड BCD को 0x29 को ASCII करेक्टर में कन्वर्ट करे और डिस्प्ले करवाए बाइट्स को पोर्ट बी और पोर्ट सी पे। तो लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाने के बाद हमने एक दो करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं एक्स और वाई, उसके बाद हमने एक ये नंबर्स को स्टोर करवाया है एक करेक्टर के अंदर जिसका नाम हमने रखा है माई बाइट। उसके बाद हमने DDRB पे और DDRC पे दोनों पे एक साथ वैल्यू स्टोर करवाई है 0xFF, क्योंकि हम दोनों को आउटपुट के तौर पे एक्ट करवाना चाह रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि x इज इक्वल टू माई बाइट एंड 0x0F, जिसके जरिए इसकी ये नंबर होगा, इसकी जो अपर 4 बिट्स हैं वो मास्क हो जाएंगे क्योंकि उन पे तो 0 आ गया, तो 0 और इसकी 0 एंड अदर वैल्यूज विल बिकम 0 एंड द रिमेनिंग वैल्यूज एज दे हैव 1 ऑपोजिट टू देम, सो दे विल शो देम द सेम रिजल्ट्स इन द आंसर्स। सो वी आर ओनली टारगेटिंग नाउ द फर्स्ट 4 बिट्स। तो अगली लाइन के अंदर हमने पोर्ट बी में एक्स को और करवा दिया 0x30 के साथ, जिसके जरिए वो आस्की में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आस्की में यूजली नंबर्स अगर 1 हम सेंड करना चाह रहे हैं तो 1 31 पे होता है। सो उसके बाद हमने कहा है कि वाई इज इक्वल टू माई बाइट एंड 0x F0। तो अब हमने जो लोअर 5 4 बिट्स हैं उनको मास्क कर दिया और अपर 4 बिट्स को डिस्प्ले करवा दिया, और उसके बाद वाई को हमने शिफ्ट कर दिया 4 पे कि वो 0 से, अगर वाई 0 पे है तो 4 पे आ जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा उस वैल्यूज की लास्ट 4 बिट्स वो सारे 0 हो जाएंगे और जो बिट नंबर 4 है वो 1 से वैल्यू शुरू होगी। और फिर पोर्ट सी पे भी हमने उसी तरह 30 में के साथ और करवा के उसको आस्की में कन्वर्ट करवा दिया। 27 के अंदर उन्होंने कहा है कि आपने बिट से फोर डिजिट 4 और 7 को कन्वर्ट करना है BCD के अंदर और पोर्ट बी पर डिस्प्ले करवाना है, तो हमने दोनों को करेक्टर्स के अंदर स्टोर करवा लिया, और उसके बाद DDRB पे स्टोर करवा दिया पोर्ट 0xFF, जिसके जरिए वो आउटपुट बन गई। उसके बाद हमने W में कहा कि हमने पहले मास्क किया है फर्स्ट 4 लास्ट 4 बिट्स को, यानी कि ये 0000 और उसके बाद अगली वैल्यूज आएंगी एंड के फंक्शन की वजह से। उस पर हमने W को 4 पोजीशंस लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, और Z पे हमने फिर हमने Z पे वो वैल्यूज को यूज करके हमने लोअर 4 बिट्स को स्टोर करवा दिया, को मास्क कर दिया और अपर 4 बिट्स को रहने दिया।
और बाद में हमने बीसीडी बाइट में कन्वर्ट किया है डब्ल्यू और जी को, क्योंकि ये दोनों एक साइड अपर फोर बिट इनकी ओपन है, लेकिन इनकी अपर फोर बिट मास्क है लेकिन लोअर फोर बिट से इनकी डिस्प्ले है। तो हमने इनके जरिए इन दोनों को और करवा लिया और फंक्शन यूज कर लिया और ये एक कंबाइंड बीसीडी बन गया। यानी कि अगर फोर को हम यहाँ पे यूज करें तो फोर की पिन ये हो जाएंगी 0000 और इसकी वैल्यूज बन जाएंगी 0100। इसी तरह सेवन की वैल्यू होंगी 0000 और इसके बाद इसकी वैल्यू होंगी 0111 इस तरह। लेकिन जब हम और करवाएंगे तो ये वैल्यू टोटली फोर पहली फोर बिट्स पे आ जाएगा और सेवन अगली फोर बिट्स पे चला जाएगा। और इसी तरह ये वैल्यू एज अ रिजल्ट बन जाएगा, ये 47 हमें डिस्प्ले कर रहा होगा, ये डिस्प्ले होगा 0000 और 0111। अगर हम पोर्ट बी पे देखें तो उन्होंने कहा कि अज्यूम दैट वी हैव 4 बाइट्स ऑफ हेक्साडेसिमल डेटा 25H 62H 3FH एंड 52H, फाइंड द चेकसम बाइट, परफॉर्म द चेकसम ऑपरेशन टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड इफ द सेकंड बाइट 62H हैज बीन चेंज्ड टू 22H शो हाउ चेकसम डिटेक्ट्स द एरर। ये सिंपल हमारा एक सिंपल कैलकुलेशन है 25H 62H 3FH 52H। तो ये प्लस हो रहे हैं तो एच यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवीआरसी प्रोग्राम के अंदर ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हम अगली एग्जांपल के अंदर खुद ब खुद डिस्कस कर लेंगे। तो हम अगली एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो एग्जांपल 7.29 है, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि आप चेकसम बाइट को डिटेक्ट करें, कैलकुलेट करें डेटा जो कि हमें गिवन है एग्जांपल 7.828 के अंदर। तो हमने सबसे पहले उस माई डेटा के अंदर सारे नंबर्स को स्टोर करवा दिया, उसके बाद करेक्ट सम को जीरो करवा लिया और करेक्टर को एक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद एक अदर करेक्टर भी हमने डिफाइन कर लिया जिसका नाम हमने रखा है चेकसम बाइट। और उसके बाद हमने तीनों जो हमारी पोर्ट्स हैं बी डी सी उनको आउटपुट डिक्लेयर करवा लिया। उसके बाद फॉर की कंडीशन लगाई है कि अगर एक्स पे जीरो पे हम इनिशियलाइज करवाते हैं, एक्स के हम मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं कि एक्स मस्ट बी लेस देन 4 और एक्स इंक्रीमेंट कर रहा है हर बार क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ जो इंट्रीज हैं लिस्ट के अंदर वो 4 हैं। तो हमने पोर डी को पे वो एक उनका स्पेसिफिक मेंबर कॉल करवा लिया है 0, सबसे पहले 0x25 कॉल होगा यहाँ पे। उस पर सम के अंदर हमने सम प्लस वो नंबर्स हो जाएगा और पोर्ट बी पे सम डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरह अगले साइकिल के अंदर दोबारा अगला नंबर सम की पुरानी वैल्यू के अंदर दोबारा स्टोर हो जाएगा और उसके बाद वो नंबर डिस्प्ले होता रहेगा। उसके बाद हमने चेक सम बाइट को यूज़ किया है वेरिएबल को और उसके अंदर हमने सम का इन्वर्स लिया और उसमें प्लस वन कर दिया, यानी कि हम सम का 2x सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे और उसके अंदर प्लस वन करके हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं इन्वर्ट प्लस वन जो कि इक्वल होता है। और पोर्ट सी के अंदर हमने चेक सम बाइट सेंड कर दिया। 7.30 के अंदर वो कह रहा है कि आप सी प्रोग्राम लिखें जो कि स्टेप बी को इम्प्लीमेंट करें, अगर डेटा सही है तो वो आस्की करेक्ट जी को पोर्ट डी पे सेंड करें, अदरवाइज बी को सेंड करें। तो सबसे पहले हमने avr/io के जरिए इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाई, उसके बाद उसी तरह माई डेटा के अंदर वो सारे नंबर स्टोर करवा दिए, चेक सम को जीरो रख लिया, करेक्टर एक्स हो गया और पोर्ट डी जो है वो आउटपुट हो गई। और उसके बाद हमने फॉर की कंडीशन लगाई है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स प्लस प्लस। चेकसम के जरिए हमने उन दोनों नंबर्स को ऐड करके एक इन सब नंबर्स को एक कंबाइन का सम निकाल लिया। उस पर हमने कंडीशन लगाई है कि अगर चेकसम की ट्रू है यानी कि ये जीरो आ जाता है तो पोर्ट डी पे जी सेंड होगा और पोर्ट डी पे बी सेंड होगा अदरवाइज। तो ये ऐसा होगा कि पोर्ट बी का वो आस्की से वो इनकी हेक्स इन आस्की नंबर्स को इनकी आस्की वैल्यू निकाल के उसकी बिट्स निकालेगा, आस्की नंबर्स हेक्साडेसिमल नंबर में जाएंगे और हेक्साडेसिमल से वो बिट उसकी बाइनरी निकालेंगे और बाइनरी के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक जो LEDs हैं वो ऑन हो जाएंगी। 7.31 के अंदर वो कहता है कि आप सी प्रोग्राम से FD एक नंबर है हेक्स का, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और डिजिट्स को पोर्ट बी और पोर्ट सी पे डिस्प्ले करवाएं। सबसे पहले हमने 5
करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं एक्स बिन बाय डी वन डी टू डी थ्री। उसके बाद हमने तीनों अपनी पोर्ट्स को पोर्ट बी सी डी को आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया, और बिन बाइट पे हमने 0xFD जो कि हमारा नंबर था वो हमने स्टोर करवा दिया। तो सबसे पहले हमारा रूल होता है कि सबसे पहले अगर हम हेक्सा नंबर को बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हम उसको 10 पे डिवाइड करते हैं, तो उन्होंने 10 पे डिवाइड करके एक्स पे स्टोर करवा दिया। और उसके बाद रिमाइंडर निकालने के लिए हमने डी वन के अंदर उसका रिमाइंडर स्टोर करवाया मॉडुलो के सिंबल के जरिए, और उसके बाद हमने एक्स का जो नंबर था उसको 10 से डिवाइड करके उसका मिडिल डिजिट फाइंड कर लिया, उसको डी टू के अंदर स्टोर करवा दिया। और डी थ्री में एक्स को 10 से डिवाइड करके हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट MSD जो के होता है उसको स्टोर करवा दिया डी थ्री के अंदर। फिर पोर्ट बी पे हमने डी वन, पोर्ट सी पे डी टू और पोर्ट डी पे डी थ्री हमने सेंड कर दिया। ऐसा ये हमारा कोड रन हो जाएगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल 7.32 के अंदर वो कहते हैं कि आप एक सी प्रोग्राम के लिखें ऐसा जो कि 4 4 each की वैल्यू को 1 bit एट अ टाइम पोर्ट सी पे सेंड करे सीरियली। पोर्ट सी की पिन नंबर 3 पिन में उन्होंने स्पेसिफाई की है, तो LSB शुड गो फर्स्ट। LSB होता है रिमाइंडर या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी आप कह सकते हैं इसको। सबसे पहले उन्होंने इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद सीरियल पिन को इंट्रोड्यूस करवाया कि वो पिन नंबर 3 को एज अ सीरियल पिन यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया कॉन बाइट के नाम से जो कि 0x45 की वैल्यू को स्टोर करवाएगा। उसके बाद एक करेक्टर है रजिस्टर ALSB, उसके बाद एक अदर करेक्टर है एक्स, और फिर रजिस्टर ALSB में उन्होंने स्टोर करवा दिया कॉन बाइट को। और DDRC पे उन्होंने कंडीशन DDRC पे उन्होंने वैल्यू सेट कर दी है सीरियल पिन की वैल्यू 1, और इसको DDRC में सेट कर स्टोर करवा दिया। उसके बाद फॉर को उन्होंने यूज किया है कि एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 8 एंड एक्स प्लस प्लस। तो उसके बाद इफ एल्स कंडीशन है कि अगर रजिस्टर ALSB की वैल्यू और 0x01 की वैल्यू एंड करने पर ट्रू आ रही है तो पोर्ट सी पे वैल्यू सीरियल पिन की वैल्यू 1 सेंड हो जाएगी, और अदरवाइज वो वैल्यू 1 का इनवर्स सेंड होगी यानी कि 0। और रजिस्टर जो है ALSB वो शिफ्ट हो जाएगा राइट पे 1 बाय 1 पोजीशन। सर्वर 33 के अंदर वो कहता है कि आप 44H की वैल्यू को 1 बिट एट अ टाइम सेंड करें, लेकिन इस बार MSB फर्स्ट होना चाहिए, सबसे पहले जाना चाहिए। तो सारा कोड उसी तरह रहेगा, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है कि आप जो इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं उसके में इस बार रजिस्टर ALSB की वैल्यू 0x80 के साथ कंपेयर होगी, यानी कि 80 के साथ एंड की जाएगी, लेकिन पिछली एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने 0x01 के साथ की थी, और बाकी सारा कोड सेम रहेगा। तो एग्जाम्पल 7.34 के अंदर वो कहता है कि आप सी प्रोग्राम लिखें और इसके के जरिए इनपुट लेन डेटा 1 by 1 सबसे पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने उसने डिफाइन और इंक्लूड करवा ली लाइब्रेरीज, उसके बाद हमने मेन के अंदर एक्स करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया और रजिस्टर ए का करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हमने 0 पे इनिशलाइज करवाया, और DDRC में सीरियल पिन को एज अ इनपुट हमने डिक्लेयर करवाया इनवर्स करके, क्योंकि वैल्यू 1 सेट की उसके बाद उसका इनवर्स किया तो वो DDRC पे 0 स्टोर हो गया। उसके बाद हमने एक्स के जो 0 पे स्टोर करवाया और एक्स को लेस देन 8 की कंडीशन में फॉर लूप में इनिशलाइज करवा दिया, और रजिस्टर ए को हमने इक्वल रखे है रजिस्टर ए इज इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 पे 1 बिट एट अ टाइम, कि ये 1 बिट एट अ टाइम लेफ्ट राइट पे शिफ्ट होगा, और रजिस्टर ए की पे स्टोर होगी वैल्यू सीरियल पिन की वैल्यू 1 के साथ हम एंड करवाएंगे पिन सी को, और इस वैल्यू को बाद में स्टोर करवाएंगे रजिस्टर ए पे। इस तरह ये बिट सीरियल पिन की बिट को कॉपी करेगा और बाद में उसको स्टोर करवा देगा रजिस्टर ए में। और इस तरह अगर हम देखेंगे अगर MSB पहले सेंड करना हो तो MSB के अंदर सिंपली सिर्फ जो मेजर डिफरेंस आएगा वो रजिस्टर ए की इस कंडीशन के अंदर आएगा, रजिस्टर ए पे सेट हो रही है वैल्यू पिन सी और 1 सीरियल पिन की 1 वैल्यू जो कि हमारी पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 3 की 1 वैल्यू, और उस पे शिफ्ट हो रही है सीरियल पिन, यानी कि वो कॉपी कर रहा है सीरियल पिन को
पोर्ट सी की सीरियल पिन वाली बिट को और पेस्ट कर रहा है उसको जाके रजिस्टर ए की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। तो ये हमारा कोड था। और अगर 7.36 की तरफ मूव करें तो 7.36 सिंपली ईप, ये डबली प्रॉम की वैल्यू है। तो इसके अंदर हमें कहा गया कि आपने जीस भेजना है इस लोकेशन पे 0x00f5f पे। तो सबसे पहले हमने इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, उसके बाद हमने कहा कि वाइल EECR एंड 1EEWE की वैल्यू पे जो 1 है उसके साथ एंड करने पर अगर ट्रू आ रहा है तो वेट फॉर द लास्ट ट्राई टू फिनिश। उसके बाद EAR पे हमने वैल्यू स्टोर करवा दिया 0x5f की और EEDR पे हमने स्टोर करवा दिया जी की और EECR पे हमने वैल्यू राइट कर दिया 1 की इस कंडीशन के जरिए। यानी कि EECR पे वैल्यू सेट हो रही है, EMWE पे हम 1 पहले स्टोर करवा रहे हैं और उसको बाद में सेट करवा रहे हैं EECR पे। इस तरह हमने EEWE पे वैल्यू के वो 1 सेट किया और उसके बाद EECR पे हमने वो वैल्यू स्टोर करवा दिया। 7.37 के अंदर भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, उसके अंदर हमें कहा गया कि आपने इनपुट लेनी है तो सेम ना उसी लोकेशन से। तो सबसे पहले हमने DDRB को आउटपुट रखा और बाद में कंडीशन लगाई कि अगर EEWE पे हम 1 स्टोर करवाएं और उसको बाद में एंड करें EECR के साथ और ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो EAR पे 0x0x5f की वैल्यू स्टोर करवा देगा, यानी कि लास्ट टू डिजिट्स की। और उसके बाद EECR पे वो चेक होगा, EECR पे वो सेट करवा देगा वैल्यू को 1, जिससे हमारा EERE पे राइट करने की वजह से ई प्रॉम रीड इनिशलाइज हो जाएगा। और पोर्ट बी पे उसके बाद वो EEDR से डेटा मूव कर देगा यहाँ पे पोर्ट बी के अंदर। तो इस तरह ये कोड कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि वाइल 1 ट्रू है। तो ये हमारा 7 चैप्टर की एग्जांपल्स थी। तो अब हम मूव करते हैं एग्जांपल 9 की तरफ, सॉरी चैप्टर 9 की तरफ।